गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू प्रॉक्सिमा रवि। रिलायंस जियो लॉन्च करने जा रही है देश का सबसे बड़ा आईपीओ, और ये जो आईपीओ होगा एलआईसी से भी बड़ा होगा। एलआईसी का जो आईपीओ है देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, और बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में इसका अनाउंसमेंट। मुकेश अंबानी अपने समूह की दो कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करा सकते हैं आईपीओ के समय में, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। और जो पहला नाम है वो आ रहा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म, और दूसरा नाम है रिलायंस जियो वेंचर्स। हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार जो है यह देश का पहला आईपीओ होगा, और इससे पहले एक आईपीओ आया था जिसका नाम है एलआईसी आईपीओ, और इसकी जो साइज थी वो 21,000 करोड़ रुपए बताई जाती थी। शेयर मार्केट गुरु या फिर हम कहें जानकारों के अनुसार रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस जियो वेंचर्स का जो आईपीओ है वो 50,000 करोड़ से लेके 75,000 करोड़ के बीच में होगा, और रिलायंस के मालिक जो है मुकेश अंबानी खुद इसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और रिलायंस जियो का जो आईपीओ आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूज़, रिलायंस जियो आईपीओ की जो अनाउंसमेंट है वो रिलायंस एनुअल जनरल मीटिंग में की जाएगी। और देखिए, मार्केट से एक अच्छी खबर ये भी है कि मुकेश अंबानी अपना जो जियो कंपनी का आईपीओ है या फिर कहें जियो कंपनी को अमेरिका के शेयर बाजार नैसडेक में भी रजिस्टर करवाएंगे। और सभी को पता है कि नैसडेक वह जगह है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अपनी कंपनी को लिस्ट कराती है और वहां से पैसा कमाती है। ऑन करंट टाइम अभी तक भारत में जो सबसे बड़े आईपीओ आए हैं वो हैं कोल इंडिया के 15,000 करोड़ का आईपीओ, पेटीएम का 18,000 करोड़ का आईपीओ, एलआईसी का 21,000 करोड़ का आईपीओ, और रिलायंस पावर का 11,300 करोड़ का जो है आईपीओ आया था। और अब इस साल आने वाला है रिलायंस जियो का आईपीओ, और इसकी फाइनेंशियल लिस्टिंग जल्द ही की जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी जानकारी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।